दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित आज मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हुआ हूँ जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय स्कूल को मंजूरी प्रदान? इसका सही उत्तर है लद्दाख। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 जुलाई इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत की जुआ पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 43 किलो भार वर्ग का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की? तो इसका सही उत्तर है चीन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? दोस्तों, इसका उत्तर 6% है। अगला है, निम्न में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कमुस्टिन आर्क से अपनी नई S-500Y रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है रूस। अगला है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन फंड प्रबंधन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 74%। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्य में किया गया, उसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और जिस राज्य को म्यांमार से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने निर्देश दिया गया है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में शिपकॉर्थर्न के पौधों को लगाने का फैसला किया? तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश। अगला है, रूस और जिस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के समझौता के अपन हस्ताक्षर किया, वो है चीन। उत्तर है चीन। नेक्स्ट है, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 से घटाकर कितने कर दी? तो इसका सही उत्तर है 16 साल। जिसने पटियाला दूसरा अगला है नेक्स्ट, जिसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियन में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, वो है लक्ष्मी, धन लक्ष्मी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? उत्तर है PK सिन्हा। अगला है, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। चलिए, मैं नेक्स्ट कड़ी में फिर आगे उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।